बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मेरे ना सब्र का बांध मत तोड़ो तुम। सब्र तो मैंने कर रखा है इतने सालों से। कौन सा सब्र कर रखा है तुमने? जो तुमने कर रखा है वही मैंने कर रखा है। परेशान तो मैं हूँ तुम्हारी पीने की आदत से, पीते हो और सब भूल जाते हो। ना तुम्हें ये याद रहता तुम शादीशुदा आदमी हो, है ना घर का कभी ख्याल ना बच्चों का। हाँ मैं भी परेशान हूँ तुम्हारे पीने की आदत से। मैं पीती हूँ? हाँ, खून पीती हो तुम मेरा, 24 घंटे पीती हो। और कमाल की बात है भूलती भी नहीं हो, बार बार एक ही बात को घुमा घुमा के मेरे दिमाग में ना विस्फोट करके रखती हो पूरा दिन। मैं तुम्हारा खून पीती हूँ? नहीं मैं तुम्हारा खून पीती हूँ तो तुम किसी और से शादी कर लेते ना, ना जो तुम्हारा खून पीती और ना तुम्हें दारू पीने से मना करती। खराब कर दिया मेरा। अरे ऐसे मत बोलो यार, गलत बोल रही हो तुम। किसी और से शादी कर लेते की जगह किसी और से शादी कर लो बोलो तो कुछ बात बने। उठो जरा, उठो यहाँ से, घर चलो जरा। तुम बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी, मैं देखती हूँ। दिमाग खराब करके रखा हुआ। कुछ गलत बोल दिया क्या? भगवान। लो ये खाओ। बस रहने दो, रखो अपने पास, मुझे नहीं खाना है। क्यों, कहीं बाहर जाके खाने का प्रोग्राम है क्या तुम्हारा? तुम पेट भर तो देती हो दिन भर ताने मार मार के। बंदे को चोट लग जाती है ना उसके घाव भर जाते हैं, लेकिन जो ये जुबान है ना इससे निकले जो ये शब्द होते हैं इनके घाव कभी नहीं भरते। अच्छा ऐसी बात थी यार, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। सुनो अभी ही बैठो, मैं अभी आती हूँ, यहीं रुकना। इसका तो हृदय परिवर्तन हो गया लग रहा है, चलो अच्छा ही है, कुछ तो बख्शेगी। आओ आओ जरा तुम, अब से ना हर फैसला मार कुटाई से ही सुलझाया जाएगा। अरे मुझे मार के ही छोड़ देगी क्या? बिल्कुल निपटाओगी क्या मुझे? क्या यार आकांक्षा, तुम्हें नहीं लगता यहाँ शहरों की चकाचौन, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इन सब में लाइफ यार कहीं खो सी जाती है यार। मतलब ना यहाँ हमारी कोई पहचान है ना कोई अपनी वैल्यू, लाइफ झंड सी है यार, क्यों? सही में अपनों से दूर मजबूरी ही है, काम करो कमाओ और खाओ, ये भी तो लाइफ है, कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ तो चांद भी चार पैक पीने के बाद दिखाई देता है और चुड़ैल भी। चांद और चुड़ैल का चार पैक से क्या मतलब है? अरे चार पैक के बाद एज्यूम कर लेता हूँ कि वही अपने गाँव में खुली छत पर लेटा हुआ हूँ और चांद को देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और चुड़ैल को कैसे अज्यूम करते हो? नहीं नहीं, चुड़ैल को अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही चलती फिरती घर में दिख जाती है। ये अपनी पड़ोसन दिखी जाती है मिसेस अरोड़ा, चुड़ैल से कम थोड़े ने, तुमसे कितनी लड़ती रहे। ये देखो मेरी ऑस्ट्रेलिया वाली फ्रेंड का मैसेज आया है। हाँ तो अच्छी बात है, तो जल्दी से रिप्लाई कर दो। तो तुम करो ना, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो। अरे पढ़ी लिखी तो हूँ पर मेरी इंग्लिश की हैंडराइटिंग बहुत खराब है।